नमो सिद्धारम नमो आयनियारम नमो वच्छायारम नमो लोए सर्वसाहुरम स्वभाव विभाव परभाव को ज्ञाता सम्यक ज्ञान ताका धारकता सुपुनि नमो चेत धरि ध्यान ताका धारक पंच गुरु अरहंत सिद्ध अरसूर उपाध्याय सब साधु पद नमत होय अगचूर नमो वीर जिन जगत गुरु गढ़धर गौतम धीर तिन दर्शाए तत्व सब स्वपर भाव जुत वीर सप्त तत्व मध जीव ही सुख दुख वेदन हार और तत्व जड़ भाव है ज्ञान सहित जुसान जीव भाव त्रेपन कहे पंच भाव सामान तिनका वर्णन करत ए भाव दीप श्रुत जान। हमारी बात छायापसमिक भाव अधिकार में छायापसमिक सम्यक्त पर चल रही थी, और जैसा कि आपको पता है कि छायापसमिक सम्यक्त में चल मल और अगाड़ ये तीन तरह के दोष लगते हैं। वास्तविकता में तो चल मल अगाड़ दोष की तारतम्यता को लेकर के कैसा स्वरूप बनता है वो तो केवली गम है, कि केवली भगवान के ज्ञान में ये आता है कि किस प्रकार की तारतम्यता और किस प्रकार के दोष वास्तविकता में होते हैं। लेकिन फिर भी धवला जी आदि ग्रंथों में किन्हीं ग्रंथ में इनके बारे में थोड़ा चिन्ह के रूप में थोड़ा सा बताया गया है, चल दोष में कैसा होता है, मल दोष में कैसा होता है और अगाड़ दोष में कैसा होता है। तो चल और मल दोष की चर्चा हमने की थी अभी तक की दो दिन में, तीन दिन में। अब अगाड़ दोष किस रूप में होता है वो वाली बात अब हम प्रारंभ करते हैं। देखिए अब अगाड़ दोष कहिए है, सर्व ही तीर्थंकर अनंत शक्ति के धारक हैं, तीन विषय हीनादिक जानना जैसे शांतिनाथ शांति के करता है, विघ्न हरने को पार्श्वनाथ समर्थ है, ऐसा सिद्धांत शिथिलता को प्राप्त होए, जैसे बूढ़ा मनुष्य की हाथ की लाकड़ी कापे हर छूटे नहीं, ऐसे सम्यक्त मुनि कर्म के उदय ते सिद्धांत शिथिल होए परंतु छूटे नहीं, सो अगाड़ दोष कहिए। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझा है तो ये दोष क्यों, क्योंकि समस्त तीर्थंकर आदि हैं, सभी अनंत शक्ति के धारक हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की मोहनी कर्म के उदय में भले ही देशघाती हो तो उसके उदय में इस तरह की शिथिलता होना, तो वो अगाड़ दोष में लिया कि शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान विघ्न को हरने वाले। तो ये जो शिथिलता आ गई थोड़ी, लेकिन शिथिलता अतिचार रूप है तो पूरा सम्यक तो नहीं गया, लेकिन उसमें शिथिलता आ गई, श्रद्धान शिथिल हो गया लेकिन छूटा नहीं, तो वो अगाड़ दोष कही। ठीक है, इस तरह से अगाड़ दोष बताए। अब बता रहे हैं इस प्रकार कहे जो चल में अगाड़ दोष ते सम्यक तो मोहिनी कर्म की उदयते उत्पन्न हुए, सो तिनको तत्व ज्ञान के बल करी अभाव को प्राप्त करे हैं सत्य प्रतीत रूप अवस्था हो है। ये जो चलमल अगाड़ दोष भी है ना, इनको भी तत्व ज्ञान के बल से अभाव को प्राप्त अभाव करके इनका सत्य प्रतीत रूप अवस्था होती है, जहां पे फिर ये चलमल अगाड़ दोष भी नहीं होते ऐसी, मतलब ऐसी अवस्था। और यदि देखो ऐसी अवस्था नहीं भी हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो वो जी अभी छाय समय समय दृष्टि है, तो जो चलमल अगाड़ दोष लग रहे हैं भूमिका के अनुसार हो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर हो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो वो उन दोषों का प्रायश्चित आदि भी या उन दोषों का ज्ञान भी, वो सारा तत्व ज्ञान निरंतर जो तत्व ज्ञान चल रहा है, तो जो बारंबार दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको निरंतर तत्व ज्ञान की धारा से उनका अभाव भी होता जा रहा है। ठीक है, तो अभाव को प्राप्त करें सत्य प्रतीत रूप अवस्था हो। देव गुरु धर्म आप तो आगम पदार्थ, इनको
मोक्ष के मूल कारणभूत पदार्थ ने विशेष संदेह हुए हैं, पर इनके अनेक प्रकार विशेष तीन विषय जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, ताको देव गुरु शास्त्र के प्रसाद करी निवारण करे। और दिन दिन प्रति समता भाव है बढ़ता जाके, बहुरी आपा पर का विचार विषय कोई प्रकार भ्रम नहीं पाइए है। देखो और देखो थोड़ा और पढ़ते हैं। बहुरी दूर भया है सर्व प्रपंच भाव जाते हैं, ऐसी सरलता को भजे हैं, ऐसा सम्यक तो भाव अष्ट अंगनी सहित हुए है। तहां अष्ट अंग कहिए हैं निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूर दृष्टि उपग्रहण ही का नाम उपगुहन कहिए स्थितिकरण वात्सल और प्रभावना। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर ही चल में लगाड़ दो सहित सम्यक तो है, जिसको अपन छम सम्यक तो कह रहे हैं, तो उसमें जो दोष लग रहे हैं है ना, तो उन दोषों को किसके माध्यम से दूर करना कि तत्व ज्ञान के बल से। फिर तत्व ज्ञान के बल से और उससे क्या होगा कि फिर जो अभी शिथिलता हो रही थी और देवगुरु धर्म आपका आगम पदार्थ इनके प्रति थोड़ा बहुत भी संदेह आदि मतलब अतिचार रूप जो चल रहा था उसको इनके माध्यम से दूर करते हैं। और ये देवगुरु धर्म आपका आगम पदार्थ अनेक प्रकार विशेष तीन विषय जो संदेह उत्पन्न हुए हैं। तो एक और थोड़ी सी इसमें अपन चर्चा कर सकते हैं इस लाइन पे ही, जो यही ना, अर इनके अनेक प्रकार विशेष तीन विषय जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, ऊपर तो लिया सामान्य रूप और नीचे लिया विशेष रूप, उनका निवारण भी किसके माध्यम से होगा, ताको देव गुरु शास्त्र के प्रसाद करी निवारण करे हैं। मतलब सामान्य देवगुरु धर्म आपता आगम पदार्थ ठीक है उनके संबंध में, और इनके प्रकार विशेष मतलब अनेक प्रकार जो विशेष हो जाएंगे, देव के विशेष, गुरु के विशेष, धर्म आपता आगम पदार्थ के विशेष, तो उनमें जो छल में लगाड़ दोष रूप जो दोष उत्पन्न हुए उनका निवारण देवगुरु शास्त्र के प्रसाद से ही दूर होगा। हर दिन दिन प्रति समता भाव बढ़ता है, बहुरी आपा पर का विचार विषय कोई प्रकार भ्रम नहीं पाइए। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये दोष हो रहा है दोष होते हुए भी, और देवगुरु धर्म के प्रसाद से जो तत्व ज्ञान की धारा और प्रबल करते जा रहे हैं उस कारण से आपा पर का विचार विषय कोई प्रकार भ्रम नहीं पाए। तो सम्यक दृष्टि इसीलिए तो है कि स्व पर का जो विचार स्व पर का जो विवेक है वो कायम है, स्व पर का विवेक भी जब कायम नहीं रह पाएगा तो फिर सम्यक दृष्टि भी नहीं रहेगी है ना। फिर आगे कहा सरलता को धारण किए हैं और इस तरह से फिर सम्यक तो उनके अष्ट अंग के साथ प्रकट होता है। मोक्षमा प्रकाशक जी में भी एक बात आती है बिल्कुल आखिरी आखिरी में, नौवे अध्याय के लास्ट में, जहाँ पे एक प्रश्न किया कि ऐसा हो सकता है कि अष्ट अंग जो सम्यक्त हैं उनमें से कोई कम ज्यादा हो, तो फिर पंडित जी ने वहां उदाहरण मनुष्य का दिया कि मनुष्य के जो अंग कहे जाते हैं, तो देखो मैं आपको निकाल के बताता हूँ एक मिनट। मोक्षमा प्रकाशक जी ने हाँ देखो ये बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ जो है ना वो आपको देख रहे हैं ना, देखिए सम्यक्त में 25 मल कहे जो अभी हमने ऊपर पढ़े ना, सम्यक्त में मल तो छाय समय सम्यक दर्शन के होते होते वो चल में लगाड़ दोष होते हैं, तो वैसे मल तो संकादिक आठ आठ संकादिक आठ मत तीन मूर्ता सठ अनायतन, सो ये सम्यक्त के नहीं होते। कदाचित किसी को कोई मल लगे, वास्तविकता में सम्यक्त के जो दोष है वो सम्यक दर्शन के साथ नहीं होते, लेकिन फिर भी किसी को कोई मल लगे परंतु सम्यक्त का सर्वथा नाश नहीं होता, वहां सम्यक्त मलिन ही होता है,
ऐसा जानना। तो चल मल अगाड़ दोस्त, तो मल दोस्त में सारे दोस्त आए थे ना, संघ का अध्यक्ष, तो ये वाली बात ठीक है। उसके ऊपर भी एक प्रश्न है जो अच्छा इम्पोर्टेंट है। देखो ये वाला, जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग हैं, उसी प्रकार सम्यक्त के अंग हैं। तो सम्यक्त के 8 अंग हैं। तो फिर यहाँ प्रश्न किया कि यहाँ प्रश्न है कि कितने ही सम्यक्त जीवों के भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं, और कितने ही मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाए जाते, इसलिए निसंकित आदिक अंग सम्यक्त के कैसे कहते हैं। प्रश्न क्लियर है ना, कि समय दृष्टि के भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि होते हैं, भूमिका के अनुसार हो सकते हैं, और मिथ्या दृष्टि के हो सकता नहीं पाए जाते हो, तो फिर इनको आप सम्यक्त के अंग कैसे कहते हो। तो समाधान में पंडित जी उदाहरण के माध्यम से दे रहे, बता रहे हैं। देखिए, जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पाद आदि अंग कहे जाते हैं, वहां कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त पाद आदि में कोई अंग ना हो, किसी के हाथ ना हो या कुछ, तो वहां उसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, कहा तो यही जाएगा कि मनुष्य है, परंतु उन अंगों बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता। उसी प्रकार सम्यक्त के निसंकित आगे आदि अंग कहे जाते हैं, वहां कोई सम्यक्त भी ऐसा भी हो जिसके निसंकित आदि में कोई अंग ना हो, वहां उसके सम्यक्त तो कहा जाता है, परंतु इन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। तथा जिस प्रकार बंदर के भी हस्त पाद आदि अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते वैसे नहीं होते, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निसंकित आदि अंग होते हैं, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्त्व के होते हैं, वैसे बंदर आदि के नहीं होते। तो वो ऊपर जो सेकंड पार्ट था ना, मिथ्या दृष्टियों के भय, इच्छा आदि नहीं पाए जाते हैं, तो वो निसंकित आदि उनके कहलाएंगे क्या? और फिर क्या निसंकित आदि को चिन्ह कह सकते हैं, अंग सम्यक्त के अंग कह सकते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पे आया है। देखो, हम वापस आगे यहाँ पर आते हैं जो हम पढ़ रहे थे, सम्यक्त के अष्ट अंग अब यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ऊपर अभी ये बात आई थी कि जो दोष लगते हैं वो भी तत्व ज्ञान के बल से दूर हो जाते हैं, और उसके माध्यम से ही, तत्व ज्ञान के बल से ही आप और पर का विचार, उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता है, समता भाव बढ़ता जाता है, और वहां पे अष्ट अंग होते हैं। तो अब सम्यक्त के 8 अंगों की चर्चा प्रारंभ हो रही है। देखिए, सम्यक्त के अष्ट अंग, अब इनका स्वरूप यही है। सर्वज्ञ देव परिभाषित जो जीवादिक तत्व व तिनका स्वरूप व अनेक प्रकार द्रव्य गुण पर्यायनी करी वस्तुनी का स्वरूप, तीन विषय व सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती, इन तीन प्रकार पदार्थनी विषय छद्मस्तु की इंद्रिय अगोचर जो सूक्ष्म कहिए, और जो अतीत काल विषय हो गए व अनागत काल विषय होंगे, स्वअंतरित, काल से जिनका अंतर है वो अंतरित, जो इंद्रियों के विषय नहीं होते वो सूक्ष्म, और जो दूर क्षेत्रवर्ती वर्तमान है और अपने देखने में ना आए, ऐसे मेरुवादिक दूरवर्ती कहिए। तो काल में भी है तो प्रेजेंट काल में, वर्तमान काल में, लेकिन क्षेत्र से जिनकी दूरी है तो वो कहलाते दूरवर्ती। मतलब क्षेत्र से दूरी दूरवर्ती, काल से दूरी अंतरित, और इंद्रियों से जो जानने में नहीं आ पाते हैं वो सूक्ष्म। तो ऊपर बताया कि द्रव्य गुण पर्याय, फिर सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ। आगे कह रहे हैं, वह हे कहिए त्यागने विषय, उपादेय कहिए ग्रहण करने विषय, वह सुख दुख के कारणनी विषय, वह संसार मोक्ष के कारणनी विषय इत्यादि पदार्थनी विषय संशय ना ही धारे हैं। जो सर्वज्ञ ने कही सो ही सत्य है, क्योंकि सर्वज्ञ सर्व के जानने ते हर वितराग होने ते असत्य ना ही कहे हैं, सो निसंकित अंग कही है। एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे निसंकित अंग की चर्चा की, और सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो वस्तु का स्वरूप बताया, जीवादि तत्व का स्वरूप बताया, द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप बताया, हाँ, सूक्ष्म, उसमें भी इतने समय, मतलब इसमें सब आ गया, द्रव्यगुण पर्याय के स्वरूप में, जीवादि तत्व के स्वरूप में, इसमें सब कुछ आ गया। तो इनमें जो हम
जिनमें संशय हो सकता है। संशय किसमें हो सकता है? कि जो हमारे इंद्रियों के गोचर हो जाए उसमें तो संशय नहीं होगा, या फिर जो हमारे कालवर्ती और हमारे क्षेत्रवर्ती हो उसमें भी संशय नहीं होगा। तो संशय के चांसेस भी कहाँ पे हैं? कि सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थ में हो सकते हैं। तो फिर उसका मतलब बताया कि फिर बताया कि इनमें भी सर्वज्ञ भगवान ने कहा सो सत्य। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ सर्व के जानने ते और वितराग होने के कारण से असत्य नहीं कहे। और भी बात ली थी कि हे उपाधि का भी ज्ञान उन्होंने कराया ना, तो जैसा उनके द्वारा कहा गया है तो वो स्वयं देखो। वैसे यदि आप लॉजिकली भी जाओगे तो भी वो प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि परस्पर बाधा नहीं आती है। हाँ, क्या बोलते हैं वो, पहले और बाद में क्या शब्द है उसके लिए, पूर्वापर विरोध नहीं आता है। ठीक है, पूर्वापर विरोध रहित होती है जिनवाणी। तो वो देखोगे तो वैसे भी कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जैसे आपने कोई एक चीज ही पढ़ी तो एक चीज ही पढ़ने पे आप आगे पीछे का नहीं पता, तो वहां भी हो सकता है यदि वो सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती की कैटेगरी में आते हो तो वहां पे संशय हो। तो मूल में ये सिद्धांत यदि हो कि सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है वो एक तो सर्व को जानने वाले हैं और स्वयं वीतरागी भी हैं, तो उनके असत्य कहने का किसी प्रकार से वो नहीं बनता है। तो इस तरह से निसंकित अंग कही। निसंकित मतलब शंका नहीं होना किसमें, कि जैसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है वैसा उसमें। आगे बता रहे निकांक्षित अंग, अरु नहीं है धर्म के सेवन थकी इस भाव पर भाव संबंधी सांसारिक सुखादिक की वांछा जाके जिसे, किंतु मोक्ष के अर्थ ही सेव है सो निकांक्षित अंग कहिए। कसायों की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भव खेद प्राणी दया तहां आत्मार्थ निवास। तो ये तो आत्मार्थी के लक्षण बताए। तो और ये सम्यक दर्शन के साथ वो मुमुक्षुता का लक्षण है, जिसे सिर्फ मोक्ष ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ भी जो भी सेवन जिस भी अर्थ जो भी प्रवृत्ति हो रही है वो सिर्फ मोक्ष के अर्थ ही प्रवृत्ति हो रही है। ए भाव का पर भाव का ये सांसारिक वांछा उनको नहीं है। ठीक है, बहुरी जो अंग धर्म को सेवे हैं सो उत्साह भावनी सहित सेवे हैं। जो भी धर्म अंग का सेवन हो रहा है धार्मिक अंग, ठीक है, वो सब उत्साह भाव के साथ सेवे हैं। और धर्मात्मा जो चतुर्विध संग तीन विषय अनेक प्रकार दरिद्र रोगादिक देखी गिलानी नहीं करे हैं तिनकी भक्ति करे हैं सो निर्विचिकित्सा अंग कहे। देखो निर्विचिकित्सा अंग में नेगेटिव तो हम पढ़ते थे कि गिलानी भाव नहीं करना, उसका पॉजिटिव क्या होगा कि उत्साह भाव से करना जो और इतना ही पर इतना ही हमने अभी पहले मुझे इतना ही याद था कि धर्मात्मा के शरीर में कोई रोगादिक हो गए हो तो वहां पे रोगादिक को देख करके ग्लानि भाव नहीं होना। यहाँ पे एक और चीज की वो तो ठीक है, धर्मात्मा जो चतुर्विध संग उनमें रोगादिक देख के ग्लानि नहीं करना, पॉजिटिव क्या है कि भक्ति करना, लेकिन वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो ऊपर पहली लाइन में आया था कि उत्साह सहित, और अकेले भक्ति नहीं और भी जो धर्म के अंग है तो सभी अंगों में उत्साह भाव का होना उसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। हाँ हेलो हेलो, जी चलो ना, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे निशंकित अंग में अंजन चोर की कहानी आती है, तो जिस वक्त अंजन चोर ने मतलब हाँ मैं रस्सी समझ काटी थी, गया। उस वक्त क्वेश्चन समझ गए होंगे आप मेरा। उस हाँ वक्त तो समझ उसको नहीं था ना। नहीं था वो क्या है, जो कहानी होती है प्रथमानुक्ति की वहां पे आगे पीछे को भी देख करके कहानी बनाई जाती है, क्योंकि वहां पे निसंकित पना बताना था है ना, तो वो निसंकित पना उसके माध्यम से बताए, लेकिन उस समय वो सम्यक दर्शन नहीं था। अच्छा, तो वो निसंकित की मतलब कहानी है ना, निसंकित कैसे थे बस। तो और फिर तो मतलब ऐसे निशंकित ना सम्यक दर्शन से पहले भी हो सकता है। ये मैं आपको 8वें अधिकार में वाली बात आई है शायद, प्रथमानियों के व्याख्यान का विधान है ना, अच्छा उसमें बात आई है। मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे याद तो नहीं है, तो एक सेकंड रुकते हैं देख लेते हैं। नहीं व्याख्यान के विधान के बाद एक और है ना पद्धति,
इसमें आया मतलब ये क्वेश्चन चारों अन्यों की व्याख्या के उदाहरण है ना, तो हाँ देखो तो हाँ देखो तो यहाँ पे आ जाएगा वो थोड़ा और देखना पड़ेगा मुझे, अभी इतना जल्दी मिल नहीं रहा। हाँ देखो ये है, देखो मैं पढ़ता हूँ। प्रथम आदि अनुयोगों की आमनाएं के अनुसार यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वहां उस प्रकार जान लेना। अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना। जैसे कहीं तो निर्मल सम्य दृष्टि की शंका कांक्षा विजिगिषा अभाव का, कहीं भय का आठवें गुण स्थान में ये है। मैंने ये नहीं थी। थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे अभी, किसी और को याद हो तो बताओ पेज नंबर वगैरह कुछ। मुझे लग रहा है आसपास ही है, लेकिन एकदम से वो जहां पे वहां नहीं पहुंच रहे हैं। क्योंकि इस आठवें अधिकार में और भी वो उनका भी उदाहरण लिया है, क्या बोलते हैं विष्णु कुमार मुनिराज वाला भी लिया है, और भी लिया है कि किस तरह से ऐसे उसको देख करके वैसा पोषण मत करना। तो पीछे आ गए, देखो ऐसे बाद में देखते हैं, आप भी देख लेना क्योंकि ये आठवें अधिकार में आपको मिल जाएगा। हाँ मैं देख लूंगा आठवां ठीक, अधिकार। हाँ आठवें अधिकार में मिलेगा। तो हम अभी वापस वहीं पर आते हैं थोड़ा। आठ अंक की चर्चा कर रहे थे, तो निर्विचिकित्सा अंक की बात हमने देखी थी कि एक तो नेगेटिवली या फिर नास्ति पर क्या कथन होगा कि ग्लानि भाव का नहीं होना, लेकिन अस्ति से क्या कथन होगा, यहाँ बहुत अच्छी बात है कि उत्साह भाव होना, भक्ति आदि जो भी धर्म के अंग है उन सभी में उत्साह भाव से प्रवृत्ति होना, वो निर्विचिकित्सा अंक का वो भी भाव है। ठीक आगे कह रहे हैं, अमूर दृष्टि बहुरी जो धर्म प्रवृत्ति करे हैं सो विवेक सहित शास्त्रोक्त तो करें, जैसा शास्त्र में बताया गया उसके अनुसार, सो अमूर दृष्टि कहिए। शास्त्र में जैसा कहा है वैसा और विवेक सहित। कभी कभी क्या होता है कि हम विवेक नहीं लगाते हैं, तो विवेक नहीं लगाते हैं तो शास्त्र के अनुसार हम समझते हैं कि हम शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन विवेक के अभाव में वो फिर वैसा नहीं होता। तो जैसे पानी छान के पीना, तो पानी छान के पीना लेकिन उसमें भी विवेक पूर्वक किस तरह से करना सारा कार्य, तो वो सारी बात आ जाती है। ठीक है, तो विवेक सहित शास्त्रोक्त तो प्रवृत्ति धर्म प्रवृत्ति का करना वो अमूर्त दृष्टि। और इसको हम अलग वैसे भी पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार की मूर्ताओं का अभाव होना, तो तीन तरह की मूर्ताओं का अभाव होना वो भी अमूर्त दृष्टि है। तो मूर्ता मतलब क्या कि विवेक का नहीं होना, उसका नाम ही मूर्ता है, तो वो वाली बात आ जाएगी। ठीक है आगे कह रहे हैं, उद्गूहनम बहुरी अपने आत्मधर्म का बधावना सुब्रहण अंक ये, व पराय दोष झांकना सुगुहन अंक ये। तो एक ही अंग में दोनों बातें हैं, अपने धर्म को बढ़ाना सुब्रहण, ब्रहण मतलब बढ़ाना, तो अपने आत्मधर्म का बढ़ाना सुब्रहण, और दूसरों के दोष झांकना सुपगुहन। ठीक है इसके बाद स्थितिकरण, तो स्थितिकरण के दो भेद, तो अब और स्थितिकरण दो भेद भय, जो अपने परिणाम धर्म सौ डिगे तो तिनको शास्त्रोक्त ज्ञान करी अनुप्रेक्षादि का, अनुप्रेक्षा मतलब बारह भावना का चिंतवन करी आपको धर्म ते ना डिगवा दे सो स्व स्थितिकरण कही है। और अन्य जीवनी को धर्म ते चुगता देखी
ताकू जा प्रकार बने जाकरी वाकु चित्त का समाधान होता दिखे ता प्रकार समाधान करी धर्म विषय स्थिति करे सो पर स्थितिकरण है। तो इस तरह से स्वस्थितिकरण और पर स्थितिकरण ये दो तरह से स्थितिकरण के भेद हैं। आगे बहुरी जहां धर्म धर्मात्मा सो बहुत प्रीति रहे सो वात्सल्य कहिए धर्म और धर्मात्मा के प्रति प्रीति भाव कौन है वो वात्सल्य। बहुरी प्रभावना दो प्रकार है जहां आपको सर्व प्रकार ऊंचा दिखावे कोई प्रकार भी नीचा ना दिखावे सो आत्म प्रभावना कहिए और जिन मार्ग को ऊंचा दिखावना सो मार्ग प्रभावना कहिए। तो प्रभावना भी दो अपने अपने आप को भी सर्व प्रकार ऊंचा दिखावे कोई प्रकार भी नीचा ना दिखावे वो आत्म प्रभावना अपने आप को मतलब अपनी आत्मा को है ना और जिन मार्ग को ऊंचा दिखाना वो मार्ग प्रभावना। ठीक है तो इस तरह से ऐसे अष्ट प्रकार अंग करी युक्त है बहुरी धन को विनाशी जानी सप्त क्षेत्र विषय निरंतर खर्च करे है और देवनी सो पूज्य सर्व देवनी के देव ऐसे श्री जिनेन्द्र देव तिनको सठ प्रकार अष्ट द्रव्य करी भक्ति सहित पूज्य है वह सठ प्रकार है नाम नाम करी स्थापना करी द्रव्य करी क्षेत्र करी काल करी भाव करी सठ स्थान जैसे अपन वो चतुष्टय पढ़ते ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव चार चतुष्टय तो ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसके पहले नाम स्थापना है ना तो अपन निक्षेप भी पढ़ते हैं चार निक्षेप होते हैं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास तो तत्व सूत्र है पहले अध्याय तो यदि उसका और डिटेल करो तो निक्षेप छह प्रकार के हो जाएंगे कैसे कि नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव वहां पे नाम स्थापना द्रव्य भाव ना तो नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र और काल भी आ जाएंगे और भाव तो कहा जाता है ऐसा आता है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से क्षेत्र को द्रव्य के साथ और काल को भाव के साथ जोड़ने पर वो फिर दो रह जाते हैं तो द्रव्य और भाव है ना तो द्रव्य और भाव कहते हैं तो क्षेत्र द्रव्य में शामिल हो जाता है और काल भाव में शामिल हो जाता है तो फिर वो दो हो जाते हैं द्रव्य और भाव। और अपन भी नॉर्मली जैसे बहुत जगह देखो ना कर्मों के भेद करते हैं और भी जहां भी भेद करते हैं तो अकेले द्रव्य भाव के भेद करते हैं तो वैसे देखो तो चार चतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो समझ लेना तो छह प्रकार सठ प्रकार छह स्थानों सठ प्रकार अष्ट द्रव्यनी करी भक्ति सहित पूजे हैं। तो अब यहाँ छह स्थान कैसे हैं वो भी यहाँ बता रहे हैं ये हम कल पढ़ लेंगे ठीक है ना अभी शायद समय हो गया ठीक है आज के लिए इतना रखें। हाँ स्तुति जवाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सुवाणी मस्तक नमो सदा दे नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोसवसावणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोसवसावणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोसवसावणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोसवसावणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोसवसावणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोसवसावणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोसवसावणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोसवसावणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोसवसावणम बोले अंतर्मुख मुद्रा सर्वजनेन भगवंतो की जय हो।